मैंने ये आज तीन चार बातें सिद्ध की। नंबर वन, चिदंबरम को पता था कि कैबिनेट डिसीशन 2003 का कि उनको और राजा के साथ मिल करके स्पेक्ट्रम का दाम को तय करना है। दूसरा है कि उनको पता था राजा घोषणा करने के पहले ही कि वो 1650 करोड़ रुपए का एंट्री फी चार्ज करने वाला है राजा, और अधिकारियों ने उनसे कहा हस्तक्षेप करिए नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारी देश की रेवेन्यू में। लेकिन हमने दस्तावेज दिखाए कि प्रधानमंत्री को जनवरी 15, 2008 को लिखते हैं चिदंबरम प्रधानमंत्री को कि इसको क्लोज चैप्टर बनानी चाहिए, आगे बहस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो दिया गया लेटर ऑफ इंटेंट, उसके साथ स्पेक्ट्रम देना है, उसका दाम क्या होना चाहिए, उसके लिए चिदंबरम और राजा की मीटिंग हुई थी 30 जनवरी 2008 को। उसका मिनट्स मैंने पेश किया है, हालांकि उसका नाम मिनट्स नहीं दिया है, नोट्स लिखा है, बट मिनट्स मैंने पेश की कि क्या राजा ने कहा, क्या चिदंबरम ने कहा, और चिदंबरम ने कहा है उसमें कि स्पेक्ट्रम जो दिया जाएगा लाइसेंस के साथ वो मुफ्त में दिया जाएगा, और सिर्फ 4.4 मेगाहर्ट्ज नहीं, 6.2, वो भी आवाज। तो ये तो राजा से भी आगे बढ़ गए थे। फिर तीसरा, उन्होंने राजा को सिखाया, मैंने दस्तावेज पेश की सीबीआई फाइल से निकालकर, उसमें उन्होंने ये लिखा है, राजा ने लिखा है अपने ऑफिसर्स को कि चिदंबरम ने मुझे समझाया कि स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक को लिए लाइसेंस तो नहीं बेच सकते बट कंपनी को बेच सकते हैं, उसके साथ लाइसेंस चली जाए तो तुम्हारा क्या कसूर है। तो ये बेईमानी उसने राजा को सिखाई। ये बड़ा उस्ताद था, वो राजा छोटा उस्ताद था। तो ये मैंने सिद्ध की डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्रधानमंत्री का अभी बयान आया है पार्लियामेंट में कि मैं क्या करूं, ये दोनों अधिकृत थे एनडीए गवर्नमेंट के कैबिनेट डिसीजन के अनुसार, और उन्होंने आकर मुझे कहा कि ये दाम तय कर लिया है, तो उसका भी पुष्टि हो गया है। आखिर में मैंने होम मिनिस्ट्री का नोट निकाला जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखी गई थी कि स्वान को और यूनिटेक, एटी सलाट और टेलीनॉर को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि स्वान और एटी सलाट और यूनिटेक दोनों पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए कंपनीज हैं और आईएसआई किसे प्रभावित हैं, और शाहिद बलवास जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली में इंडिया में है, वो तो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। यह होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट, और उस पर प्रधानमंत्री ने को मैंने चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखा कि जवाब दो इसका ताकि मैं स्वामी को जवाब दे सकूं। ये कब की बात है, पिछले साल की चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, कल का भी जिक्र आया था कल, और सीबीआई को कहा कि इस पर जवाब दो, अभी तक जवाब नहीं दिया। सर आपने ये भी कहा था कि कैबिनेट के पास भी ये मामला भेजा जा सकता था, लेकिन वो आ रहा हूँ मैं वो आखिर में। तो ये कुल मिलाकर के देश के साथ गद्दारी हुई है।